भाभी क्यों नहीं बता सकते हम? क्योंकि आना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। घर में सब बहुत नाराज हो जाएंगे, खासकर कि ऋषि, वो तो इतना नाराज हो जाएगा कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ के ना उसकी बहुत पिटाई करेगा। और आयुष वो भी चुप नहीं बैठेगा, सब लोग बहुत गुस्से में आ जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो, हम बताएंगे ही नहीं किसी को? बताएंगे, बस गौतम को थोड़ा सा टाइम दे। और तब तक क्या आप सबकी गालियां सुनते रहोगे? नहीं भाभी, मैं नहीं होने दूंगी। अब जो सुन लिया उससे ज्यादा और क्या ही सुनाएगा कोई? हाँ, और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि उन पर क्या गुजर रही है। बस एक बार गौतम अपने मम्मी पापा से बात कर ले, वो लोग समझ जाए और हाँ कह दे, फिर हम भी यहाँ सबको बता देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस थोड़ा टाइम वेट करने के लिए कह रही हूँ, फिर सब अच्छा हो जाएगा। सही है ना? अभी मेरे लिए सब कुछ सही है, पर आप जो ये सब सह रहे हो उसका क्या? मेरी आहाना के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। What is wrong with you, आहाना? क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? एक बार ध्यान से देखो, अपनी आंखों से देखो, दूसरों की आंखों से नहीं। अब दिखाई दे जाएगा तुम्हें कैसे लो स्टैंडर्ड रोड साइड के दुपट्टे हैं। और तुम्हें क्या हो गया? अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो डिजाइनर्स है ना हमारे पास, डिजाइनर्स की कमी नहीं है, अंडरस्टूड? लाओ ये दुपट्टे, ये रखो, इन्हें संभाल कर अपने पास। एंड आहाना, यू कम विद मी। चलो मॉम, मैं 2 मिनट में। नहीं, 2 मिनट नहीं, अभी के अभी। मैंने मलिष्का के डिजाइनर से बात की है, वो बेक कर रही है अपनी बुटीक में तुम्हारा, और उसके पास इससे बहुत बेटर चॉइस होगी जो भी हमारे स्टैंडर्ड की, समझी? कम आहाना। लक्ष्मी, यू वन लास्ट टाइम, तेरी बेटी से दूर रहना, बड़े घर की और संस्कारी है मेरी बेटी, तुम्हारी तरह नहीं है, समझी तुम? तो दूर रहो उससे, वरना मैं तुमसे भी ज्यादा बुरी बन सकती हूँ। तुम बस ढोल नगाड़े मत बजाओ, हम बिल्कुल ठीक है। ये ढोल नगाड़े कौन लेकर आ गया? कमाल कर दिया यार, मुझे बताया भी नहीं, तुम्हारा सरप्राइज ढोल बजा लिए। चकदा फटे, मैंने किसी को नहीं बुलाया। नहीं बुलाया? तो फिर ये क्या है? मैं देखता हूँ। अंकल जी, अच्छी बात नहीं है, मतलब आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसी, मतलब आपकी खुशी होगी तो चीयर्स भी होगा, टीचर भी बचेगा, मिठाइयाँ भी बटेंगी, हमारी खुशी होगी इतनी बड़ी, तो हम ढोल नगाड़े भी नहीं बजा सकते, मतलब बताओ कैसी बात है? बलविंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? चल निकल यहाँ से, गेट लॉस्ट। हो जाऊंगा लॉस्ट भाई, मैं कोई कमरा किराए पे लेने नहीं आया तुम्हारे घर में, मैं तो अपने अंकल जी को इतनी बड़ी खुशखबरी में मिठाई खिलाने आया, मिठाई ना खिलाऊं तो अंकल जी मिठाई। कोई बात नहीं, मत खाओ, तू तो हानेगा नहीं, तेले तो बैड न्यूज है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही है ये, क्या कर रही है, रख जाए, क्या कर रही है ये सब, ये बार बार उठा के नहीं घूमते, ऐसी हालत। ध्यान रख, अगर अपने ऐसे मत कर। चलो मिठाई भी खा लें इस घर की, अमीर लोगों की मिठाई का स्वाद ही अलग होता है। नहीं, आखिरी बार भी आपके यहीं खाया था हमने। क्या बदतमीजी है, क्या हो रहा है ये सर? कैसे बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम? हाँ, सुना नहीं हमारे बेटे ने क्या कहा? गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। सुन लिया मैडम जी, जा रहा हूँ मैं कौन सा है कमरा किराए पे लेने आया, बताया तो उसे, यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ आया हूँ, अच्छी तरह आऊ, इज्जत से जाऊंगा और खुशी के साथ जाऊंगा, पूरी परिवार को साथ लेके। हैं, बजाओ भाई, बजाओ। और ये अरे सर, मत करो ये सब। यू जस्ट लिसन, यू चीप डॉट, शादी का घर है,
अपने ये चीप स्टंट्स और पागलपन ना कहीं बाहर सड़क पे दिखाना। आउट आउट फ्रॉम हियर। ओए राबे, चाची के घर गई थी नहीं गई थी चौल में? बताओ बताओ सब बताओ। नहीं गई थी? गई थी ना? गई थी कि नहीं? और आपका ये लड़का है ना, ये कैसीनो भाई, क्या कहते कैसीनो भाई कहते हैं ना, जो लड़कियों के दिल को खिलौना सोचता है। ड्राइवरी करी मैंने इसकी, बहुत लड़कियां घुमाई इसने मेरे सामने, और पीछे वाली सीट पर बहुत लड़कियों का दिल तोड़ा इसने, लक्ष्मी का शादी करके दिल तोड़ दिया इसने मेरे सामने, है ना लक्ष्मी? पूछ लो, आप पूछ लो। अब दिल टूटेगा तो कोई रोएगा ना, और रोएगा और कंधा भी चाहिए होगा उसे। वो जो कंधा था ना अंकल जी, वो बलविंदर का था, मुझे आज भी याद है। इतनी परेशान होकर आई थी, एक एक बात याद है मुझे, कैसे रो रही थी, मैंने चुप कराया था इसे, आज भी याद है मुझे। खानी रात थी, लक्ष्मी मेरे साथ थी, बाल खुले हुए थे उसके। चलो बलविंदर चुप हो जा बिल्कुल। और तेरी जो ये गंदगी है ना, ये बाहर जाके निकाल, मिल पा यहाँ पे नहीं, बाहर निकाल, चल कुछ सुन, चल यहाँ से बाहर जा, बाहर जा। मैं तो बस क्या चाहते हो? माना तुम्हारा बच्चा है लक्ष्मी के पेट में, उसे घर लेके आ गया, अब देख उसके पेट में मेरा बच्चा है। ये कर्मों की सजा है ना लक्ष्मी, सही है ना? चल कोई बात नहीं, तूने बच्चा नहीं किया, तू नाम रख दियो, ठीक है? ऋषि नाम नहीं रखने के, ऋषि नाम ना रखियो बस। अच्छा ये रो रही, ठीक है लड़का हुआ तो ऋषि रख देंगे, ठीक है ऋषि। चल मेरी भाग्य लक्ष्मी, घर चल ले, वहां पे ढोल नगाड़े वाले बुला रखे मैंने, ओवर टाइम ले लेंगे मेरे से, चल ले गृह प्रवेश कर ले मेरे साथ। लक्ष्मी क्या चल रहा है यहाँ पर? पूरे परिवार के सामने तुमने अपनी नाक कटा ली, चाल चलन कैरेक्टर सब एक्सपोज हो गया सबके सामने। अरे खुश तो शर्म कर लो, अभी खुद ही यहाँ से चली जाओ। हाथ भी देख लो उस लड़की को, यहाँ पर इस तरह खड़ी है, जाओगी या थक्के मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकालू मैं। आउट, आई सेड आउट, आउट मॉम, आउट मॉम, आई डोंट, नॉट अ वर्ड। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? खुद पर तो तरस खाओ, अपने इस बच्चे और इस चीप ड्राइवर लवर को लेकर यहाँ से आउट आउट। सोच भी नहीं सकते ड्राइवर के बच्चे के साथ हमारे खानदान का नाम जुड़ रहा है। What is happening? तुझे बेइज्जती करानी हो ना तू करा ले, तुझे इनके पैरों की जुत्ती बनके रहना हो, तू रह ले, मैं नहीं रहने का लक्ष्मी। चल मेरे साथ चल, छोड़ो मेरा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी लक्ष्मी, चल ले, छोड़ो मुझे, मत कर, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अब आ कर रही हो, क्या फायदा? जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारी वजह से हो रहा है लक्ष्मी, सच में तुम्हारी वजह से। क्यों किसी को ऐसा करने दिया तुमने अपने साथ? हाँ कोई इंसान गलत तभी करता है हमारे साथ जब हम उसे ये पावर देते हैं कि वो हमारे साथ गलत करे। सही कह रहा हूँ, तुम्हारी वजह से वो ऐसा। क्यों करने दिया तुमने उसे अपने साथ ऐसा? क्यों? Don't smile. Thank you, Rishi. आज फिर तुमने मेरा साथ दिया जब कोई साथ नहीं था मेरे। Thank you. तुम इतने अच्छे हो इसलिए तो मैं तुमसे क्या? बलविंदर को पता कैसे चला प्रेगनेंसी के बारे में? ये बात तो किसी को भी नहीं पता।
फिर तुम अगर लक्ष्मी चिल्लाई मत कुछ नहीं करना कि तुम अभी ऋषि को बुला के मेरे ऋषि कहाँ आएगा वो ऋषि आएगा मेरी जान वो कहीं नहीं आनेगा तू तो जाने वाली ना यहाँ से इस घर से कहाँ आएगा ऋषि तेरे पीछे इसलिए बोल रहा हूँ ऋषि के नाम की माला जपनी अब बंद कर दे और एक ही नाम की माला जपा कर बन लो तुम इससे कितना भी प्यार करती हो लक्ष्मी लेकिन तू सिर्फ एक के लिए बनी है बलविंदर सूद बल्लू यानी कि मैं और मेरी कोई चीज ना इतनी आसानी से मैं छोड़ता नहीं साम दाम दंड भेद सब पेल दूंगा लेकिन तू मेरी बन के रहेगी लानी बंद कर दे अपनी समझ आ रही है तुझे फिर मत तू तो जाने वाली ना यहाँ से जाके कहाँ जाएगी किसके पास जाएगी क्या करेगी कौन है तेरा कोई नहीं मैं हूं तेरा बलविंदर तेरा सब कुछ और मैं बनूंगा तेरा सुहाग और हर रात बनाऊंगा तेरे साथ सुहाग रात और तू कुछ कर नहीं पाने के मना नहीं करने के लक्ष्मी लक्ष्मी थी ना वो कहाँ गई सो तुम्हें क्या लगा ये लक्ष्मी ने तुम्हें भेजा शी आर यू फॉर श्योर बॉडी मलिष्का यार प्लीज डोंट सादे सके ना एक तो पहले से इतना टेंशन में हूं कोर्ट जाना है समझ नहीं आ रहा क्या होगा ऊपर से तुम बेकार की बातें करती रहती हो तो तुम टेंस्ड क्यों हो कोर्ट ही तो जाना है ना ये तुम्हारी खुशी के लिए है राइट तुम्हें तो तुम्हारा और लक्ष्मी का डिवोर्स हो जाएगा तुम अलग हो जाओगे आजाद हो जाओगे तुम लक्ष्मी से इसलिए हम दोनों कितना खुश है आई मीन इसलिए मैंने सब कुछ प्लान भी किया है हम डिनर पे जाएंगे तुम्हारी फेवरेट रेस्टोरेंट में थाई रेस्टोरेंट उसके बाद हम थिएटर जाएंगे मूवी देखने और फिर वहां हम तुम्हारे फेवरेट कैरेमल पॉपकॉर्न भी खाएंगे सो स्माइल नाउ प्लीज टेंस्ड तुम्हें बुरा लग रहा है क्या कि तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है लक्ष्मी के साथ मैंने कब कहा ऐसा लग तो ऐसे ही रहा है तुम ऐसे रिएक्ट करो कि तुम्हें बुरा लग रहा है तुम बदल रहे हो ऋषि मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ मनीषा मैं बदला नहीं हूँ सही बात है जिस घर में बहू नहीं उसका कोई वजूद नहीं ऐसी बहू भी तो किस्मत से मिलती है ना अब कोई कैसा निकलेगा अंदर से ये तो साथ रहकर ही पता चलता है आप हमारी आना की चिंता बिल्कुल मत कीजिए इसकी गारंटी हम ले सकते हैं मैं भी एक्चुअली हम सब वो है ही ऐसी आई नो शी इज द बेस्ट माय सिस्टर हम भी लकी स्पेशली आहना जिसे आप जैसी फैमिली मिल रही है ओके कूल आहना को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेट्स डू इट टुमारो देन कल करते हैं क्या बात है लक्ष्मी आज तुम ग्लो नहीं कर रही हो इज ऑल ओके विथ यू ऋषि तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो क्या हाँ एक्चुअली एक जगह जाना था बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या मतलब यानी कि आज हमें लक्ष्मी के आते खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं मैं कल तो एंगेजमेंट है कल तो एक मिनट का भी वक्त नहीं होगा किसी के पास कितनी सारी तैयारियां करनी है कितने काम करने हैं ना हाँ भाभी कल तो इतनी सारी भाग दौड़ करती है अरे कितनी भी भागा दौड़ी हो लेकिन कल की मिठाई तो लक्ष्मी के हाथ की होनी चाहिए सगाई और लक्ष्मी के हाथ की मिठाई इमेजिन कल का दिन और शुभ हो जाएगा ऋषि देर हो रही है ना तुम्हें तुम लोग जाओ या आई सी बैंक आंटी बाय
सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। मैडम सर बहुत लकी होता है, ले लो ना सर। मैडम सारी मुरादें पूरी करता है, ले लो। नहीं नहीं चाहिए। कितने का दिया? 100 लेता हूँ, तुम 80 दे देना बेटा। ये लीजिए। नहीं नहीं आप रख लीजिए। भगवान तुम्हें खुश रखे, शिव पार्वती जैसी जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की। क्यों लिया तुमने? कोई जरूरत थी इसकी? शादीशुदा जोड़े के जैसा कोई रिश्ता है हमारा? कुछ बचा है? उनकी मेहनत के लिए लिया। इतने बुजुर्ग हैं वो, उसके बाद भी मेहनत करके कमाना चाहते हैं, भीख नहीं मांग रहे, काम कर रहे हैं। किसी भी काम को करने में मेहनत लगती, काम हो या रिश्ता, मेहनत लगती। उसे बनाए रखने के लिए जज्बात लगते। अभी आप इसे फोटो खिंचाएंगे बाहर? एक्सक्यूज मी, हमारी फोटो क्लिक कर देंगे प्लीज? मैं मेरे स्किन, एक्चुअली हमारी अभी भी शादी हुई है तो इसलिए हम चाह रहे थे। आप भी शादी के लिए आए हैं? ओह सॉरी, आप तो ऑलरेडी शादीशुदा हो, लकी। आई नो, कितना अच्छा लगता होगा ना दोनों एक साथ मेड फॉर ईच अदर, जैसे कि हम दोनों। फोटो प्लीज प्लीज, वन सेकंड। कोर्ट भी कितनी अजीब जगह है, शादी भी होती है यहाँ और कुछ लोग शादी तोड़वाने भी आते हैं। हमें ही देख लो, हम तो शादी करवाते भी है और तोड़वाते भी। जब तक दिल में रहता है तब तक अलग भी हो सकते हैं और तब तक अलग का ऑप्शन भी रहता है। सोचने अलग होना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो बात खत्म। वो भी क्या जमाना था, आजकल तो जनरेशन अलग है। अभी तो शादी, सात फेरे, ये सब फैशन बन के रह गए और कुछ नहीं। थैंक यू। चले। क्या हुआ? मैं मुस्कुरा तो सकती हूँ ना, मेरे पास तो टाइम और मौका दोनों है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसे कपल से मिल रही हूँ जिनका तलाक होने वाला है। इसी रिश्ते में तो हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं। तो अब मैं समझ लूँ कि तुम दोनों सहमत हो इस रिश्ते को संभालने के लिए, isn't it? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई एम श्योर लक्ष्मी ने आपको पूरा सच बताया ही नहीं होगा। नहीं बताया ना तुमने अपना पूरा सच? नहीं बताया होगा, वरना आप इस तरह से बात करती ही नहीं। ये लड़की अलुष्का, नीलम भाभी को जज के पास भेज के ना तुमने ब्रिलियंट काम किया, वरना वो चालाक लक्ष्मी हो तो वहाँ पे भी कोई ना कोई चाल चल देती। इसलिए तो मुझे और कोई ऑप्शन समझ ही नहीं आया। आपको पता है जब ऋषि ने मुझे मना किया ना अपने साथ चलने के लिए, तो यू हैव नो आइडिया मुझे कैसा लगा था।
मीन आंटी, मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ ना यहाँ पे, आई डोंट थिंक कोई और कर सकता है। आंटी, अब इतना अच्छा मौका था, इतना बड़ा मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने देती। एंड मनुष्का, इट इज सच अ बिग डे फॉर यू, गो आउट सेलिब्रेट। लक्ष्मी जा रही है, वो फाइनली हमारी लाइफ से जा रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना बाहर सेलिब्रेट करो। आई थिंक यू आर राइट, ये लक्ष्मी ना, ये ऑलरेडी मुझसे बहुत कुछ छीन चुकी है, अब इसे अपनी और खुशियां बर्बाद नहीं करने दूंगी। सो आई जस्ट गो प्लान समथिंग। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू। यस, सच में आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, लक्ष्मी का नाम भी नहीं रहेगा मेरी लाइफ में, बस नीलम आंटी अपना काम कर देवा। आप ना इसकी भोली सूरत पर मत जाइए, धोखेबाज है ये, सबने इस पर विश्वास किया और इसने विश्वास तोड़ दिया हमारा, और वो भी कैसे, हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है, पर आप सुनेंगी ना, आप भी हिल जाएंगी। लक्ष्मी, तुम खुद बोलोगी या मजबूरन हमें ही बोलना पड़ेगा? एक मिनट, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप साफ साफ कहिए बात क्या है। साफ साफ दरअसल बात यह है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, और हमारे बेटे ऋषि से नहीं, अपने पुराने होने वाले पति से, इसके एक्स फियांसे से। पूछिए माँ, तुम, आई नो यू आर हर्ट बेटा, पर इन्हें सब पता होना चाहिए, आप पूछिए, खुद पूछ लीजिए इससे। लक्ष्मी, तुम प्रेग्नेंट हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ लक्ष्मी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और ये बच्चा, ये सच में ऋषि का नहीं है? थैंक गॉड, आयुष और राणा घर में नहीं है, शॉपिंग के लिए गए, वरना उन्हें भी ये सारा तमाशा देखना पड़ता। हमें तो मलिष्का के लिए बुरा लग रहा है, कितना कुछ सह रही है बेचारी। और लक्ष्मी, वो कहाँ? आप अब भी उसके बारे में सोच रहे हैं? ये जानते हुए उसने हम सबके साथ क्या किया है, कितना कुछ बुरा किया है उसने, आप जानते हैं ना, उसने हम सबकी जिंदगी पलट कर रख दी, कोई चैन से नहीं जी पा रहा है इस घर में कोई भी। मुझे तो ऋषि की टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ चला गया है वो इतने गुस्से में था ना, पता नहीं लक्ष्मी ने ऐसा क्या बोल दिया उसको, मैं उसको रोकती रह गई, वो रुका ही नहीं, गॉड नोज वो कहाँ चला गया है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऋषि घर पर नहीं है? तो मनीष का कॉल करो, उसे बुलाओ, उसे फौरन पता करो कहाँ है वो। एक मिनट, वापस ट्राई करती हूँ, कॉल भी नहीं लग रहा है इसका, मैं बता अभी से नहीं, दो घंटे से ट्राई कर रही हूँ, ना कॉल लग रहा है, ना मैसेजेस देख रहा है, नथिंग। ऐसा कहाँ चला गया वो बिना बताए? क्यों परेशान हो रहे हो? सकता ड्राइव कर रहा हो। नहीं माँ, वो कार निकल नहीं गया, मुझे बाहर तो मैंने देखी कार उसकी बाहरी। थैंक्स टू हर, इसकी वजह से हुआ है सब जो भी हो रहा है, इसने कुछ बोला होगा ऋषि को, इसलिए वो इतने गुस्से में आज चला गया, भगवान जाने कहाँ चला गया। थैंक यू सो मच लक्ष्मी, स्पॉइलिंग एवरीथिंग। सो चले जाते हैं अक्सर ऐसे रात को कहीं, आ जाएंगे अभी। शट अप, एक तो हमारे बेटे की कोई चिंता नहीं है तुम्हें, ऊपर से हमें सिखा रही हो कि हमारा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, कब आता है, इतना कुछ भूल कैसे लेती हो हमारे सामने तुम, और इसे हमारे सामने खड़ी ही कैसे हो लेती हो? बदतमीजी की हाथ होती। नीलम, रहने दो ये सब, खा लो। अब नहीं खाया जाएगा हमसे, हम जा रहे हैं ऊपर अपने कमरे में, ऋषि का कोई फोन आया उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें बता दीजिएगा। नीलम, भाभी खुश हो सब करके, हमारा जीना मुश्किल कर दिया, खाना मुश्किल कर दिया, सब कुछ मुश्किल कर दिया, अब खाओ तुम, बैठो और खाओ, पेट भर के खाओ, जितना खा सकती ना उतना खाओ। सब टेलेंगी लक्ष्मी, अगर ऋषि को कुछ भी हो गया ना यहाँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कहाँ हो तुम ऋषि, ठीक हो ना? और तुम अभी भी प्यार को खेल ही समझती हो, खेल कर जीतने की कोशिश कर रही हो, क्या हुआ जीत गई? इसी वजह से जीत भी नहीं पा रही हूँ। मुझे ब्लेम मत करो, मुझे जब इस घर से जाना होगा मैं चली जाऊंगी, अगर वो होना होगा तो वो हो जाएगा, लेकिन क्या ऋषि तुम्हें मिल जाएगा? बोलो, नहीं। क्या हुआ मलिष्का, सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही तो था, ऋषि तुम्हारे पास ही तो था, मिल गया तुम्हें, मेरे आने से पहले से था, मिला तुम्हें,
और अब भी तुम वही कर रही हो, अभी भी तुम गेम्स की बातें कर रही हो। क्या लगता है गेम्स खेलोगी जीत जाओगी और ऋषि मिल जाएगा? ऋषि का प्यार, इसीलिए कह रही हूँ मुझे ब्लेम करने से पहले, ये कैरेक्टर मोरालिटी वैल्यूज की बातें करने से पहले ना अपने साथ समय बिता, खुद सोचो, दोबारा सोचो, बार बार सोचो, तब तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे, मेरे कैरेक्टर वैल्यूज मोरालिटी सबके जवाब मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा जवाब मिलेगा ऋषि का, मेरा। एक बात कहनी थी तुमसे। कहो, सुन रही हूँ मैं ऋषि, बोलो। पता है जब हमारी शादी हुई भी नहीं थी और मैंने तुम्हें बस जानना शुरू ही किया था, तब से मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है स्माइल करते हुए। और मैंने तुमसे बात कही भी थी कि तुम मुस्कुराते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और मैंने कहा था कि चाहे हम दोनों के बीच में झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। और मैंने ये भी कहा था तुमसे, चाहे हम दोनों के बीच में दूरियां ही क्यों ना आ जाए, एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो जाए, तुम बस मुझसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत प्योरिटी है। जिस तरह से तुम सबकी खुशियों का ख्याल रखती हो, सबकी चिंता करती हो, मेरा जिस तरह से ख्याल रखती हो, लक्ष्मी तुम में से वो मिट्टी की खुशबू आती है जहां से सिर्फ प्यार होता है। माता रानी, कल से आज पर बात आ गई, लेकिन आज तो कोर्ट में कोई फैसला होना ही है। अगर टाइम पे गौतम ने अपने घर वालों से बात नहीं की तो पता नहीं आज क्या हो जाएगा। संभालना माता रानी प्लीज। आप जानती हो मैंने आना की मदद क्यों की, उससे मेरा रिश्ता बहन से कम नहीं है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा रिश्ता जो भाग्य से जुड़ा है ऋषि के साथ, वो भी ऋषि की सलामती के लिए, वो रिश्ता आज दांव पे लगा है। अच्छों के साथ अच्छा होता है, माँ भाऊजी ने हमेशा यही सिखाया और मैंने भी यही माना, पर आज दिल बहुत घबरा रहा है। साथ रहना माता रानी, हिम्मत देना, अगर कोई तूफान आने वाला है तो उसका सामना कर पाऊं। मैं जानती हूँ आप कभी अन्याय नहीं करती, आपके घर में देर है पर अंधेर नहीं, तो बस माता रानी मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्लीज माता रानी। गुड मॉर्निंग मैम। वही खड़ी रहो और अब एक शब्द भी मत बोलना, तो अपना नाटक कभी तो बंद करो। मॉम आप यहाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आई विश आज का दिन तुम्हारे लिए बेस्ट हो, आज के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ ही बेस्ट हो, आज के बाद तुम हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से दूर रखे और तुम हर बुराई से दूर रहो। ऐसे क्या देख रही हो? हाँ हम तुम्हारी बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि तुम हो ही ऐसी, और अपना ये मुंह लटकाकर ऐसे हमारे हैप्पी वाले घर में तुम मनहूसियत क्यों फैला रही हो? हाँ और वहां खड़ी खड़ी क्या बड़बड़ा रही थी? हम श्योर भगवान से प्रार्थना कर रही होंगी कि हमारे घर पे फिर से कोई मुसीबत आ जाए, कुछ गलत हो जाए आज के दिन, आज के शुभ दिन कुछ खराब हो जाए, पर नहीं, अब कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि आज तो ये मुसीबत हमेशा के लिए टल जाएगी, खत्म हो जाएगी।
खबरदार, खबरदार जो तुम आज वहां जज के सामने चुप रही या अपना ये इनोसेंट वाला चेहरा दिखाया उन्हें। तुम वहां जाकर ऐसे रोनी सूरत बनाती हो ना, इसीलिए जज को लगता है कि तुमसे ज्यादा शरीफ, तुमसे ज्यादा अच्छा, तुमसे ज्यादा मासूम दुनिया में कोई है ही नहीं। वैसे करिश्मा, हम कितने भी मास्क लगा ले, असली ग्लो तो आहना के फेस पे आने वाला है। उसे किसी मास्क की जरूरत नहीं है, आज तो बटरफ्लाईज ही कुछ और होती हैं। आई नो, बट इन मास्क में भी मैजिक है, मैंने पेरिस से लेके आई हूँ स्पेशली, सो हमारा ग्लो भी कन्फर्म है। और एक बात बताऊँ, फाइनली ना हमारे अच्छे दिन आ गए। अदरवाइज देखा था ना हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी और केओस हो रहा था, अब फाइनली हम खुशियां मना सकते हैं। और एक्चुअली आज का दिन तो ना दो दो खुशियों का, एक आहना की एंगेजमेंट और दूसरा मुझे मेरा ऋषि वापस मिल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और वो मिस चौल लक्ष्मी, उसकी शक्ल ना हमें कभी नहीं देखनी पड़ेगी दोबारा, कभी नहीं। मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस लड़की ने। आई नो, इनफैक्ट उस लड़की ने वो सब किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये कैसी होती है ना इस टाइप की लड़कियाँ, आई मीन ये क्या करती है, हमें कुछ भी कर सकती है ये ना, सामने वाले पे ऐसा कोई जादू कर देती है, एकदम हिप्नोटाइज। अब ऋषि को ही देख लो ना, वो इतना स्मार्ट है, इतना हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग है, लेकिन आ जाता है ना लक्ष्मी के उन झूठे आंसुओं के ऊपर, पता नहीं पिघल जाता है, क्या हो जाता है उसको, गॉड नोस। आई नो, लेट इट बी मलिष्का, आज अच्छा दिन है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसे फालतू लोगों की बातें ना ही करे तो अच्छा है। और लक्ष्मी का चैप्टर तो ओवर हो गया है, शी इज पास्ट नाउ। यस, थैंकफुली। बाय द वे मलिष्का, आज शाम के आउटफिट्स के लिए कौन से डिजाइनर फाइनल किए? आज फाल्गुनी आंटी आ रही है। Are you serious? Yes. Give me a high five. मैं उन्हीं के आउटफिट पहन रही हूँ। तो मेरा भी उन्हीं के साथ फाइनल, डन। हाँ ठीक है, तो फिर चलें, अब टाइम अप भी हो गया है, मास्क को निकाल देते हैं और नीचे हॉल में चलकर देखते हैं क्या क्या तैयारियां करनी है। हाँ वैसे भी आज की तैयारियों में ना कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए। Let's do this. I can already feel the glow. वैसे वीर कहाँ है? जब घर में काम ज्यादा होता है ना तभी वो गायब होता है। नहीं मम्मी जी, बस अभी आ जाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फोन कॉल्स थे इसलिए देर हो गई उन्हें। और वैसे भी जब हम बेड रेस्ट पर थे सब काम उन्होंने ही तो संभाला था। हैं? खाक संभाला था उसने, सारा कुछ मैंने संभाला था, सारी भाग दौड़ मैंने की थी, खुशी इतनी थी मुझे रह ही नहीं जा रहा था। मुकेश, वो कब से बोले फ्रूट क्रीम बना के दे और मीठा तेज ही रखना। मम्मी जी शुगर है आपको और आप और शुगर। मॉम अगेन, मतलब आप सुधरोगे नहीं ना? हाँ मैं जानती हूँ आप बहुत खुश हो, आहना की शादी होने वाली है, घर में खुशियाँ हैं, सेलिब्रेट करना है, बट अगर शुगर बढ़ गई तो फंक्शंस कैसे एंजॉय करोगे आप? ये जो गोल वाली डेकोरेशन है ना, ये उस तरफ भी करनी है पीछे झूमर पे, और ये अशोक पत्ते दरवाजे पे लगा दीजिएगा, शुभ होते। थैंक यू मुकेश भैया, वो बाहर ना केटरर्स आ गए, उनको बोलिए कि पीछे गार्डन में ही तंदूर रखें और सारा खाने का इंतजाम भी वहीं पर ही होगा, ठीक है? और फूलों की डेकोरेशन भी होगी पीछे, ठीक है? आप चलिए। दादी ये लीजिए आपकी फ्रूट क्रीम। थैंक यू। शुगर फ्री है, मैंने बनाई है ताकि आपकी शुगर ना बढ़े। वैसे एक बात बता दूं मैं सबको, ये मैं किसी खुशी में नहीं खा रही हूँ। मन नहीं लग रहा तुम्हारा आना के बना। वैसे गौतम तुम्हारी फैमिली को पता है ना कि तुम यहाँ हो? हाँ मामी, अंकल आंटी को पता है। वो एक्चुअली मैं पार्लर गई थी ना फेशियल के लिए, तो टेक्सिंग पे हमारी बात चल रही थी, तो गौतम ने बोला कि वो नजदीक ही है, वो मुझे ड्रॉप कर देगा, बस इसीलिए। रियली? वैसे आहना हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं कि गौतम अगर 10 किलोमीटर दूर भी होता ना तो भी आ जाता तुम्हें ड्रॉप करने के लिए। हंस रहे हो? एक्सक्यूजेस ब्रो, एक्सक्यूजेस। ऐसे बहाने मिल ही जाते जब टाइम स्पेंड करना हो साथ में। वेल डन गौतम, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली, हमें मत बनाओ, हमें सब पता है। नो मामी रियली, गौतम बोलो ना। हाँ हाँ, मैं पास में था इसीलिए मैं पिक करने चला गया था। या या। क्या बात है गौतम, एक मिनट आना जरा बात कर। श्योर, एक्सक्यूज मी। सिस्टर शाबाश, अभी से पर्सनल ना। इमेजिन अगर हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी हुआ होता ना, मॉम तो मेरी जान ले लेती। और भाभी आजकल के बच्चों को देखिए, आई मीन इतनी फ्रीडम मिली हुई है। गौतम क्या हुआ उस बात का, तूने बात की अपने पेरेंट्स से? आना एक्चुअली मैंने वो। अरे क्या हुआ जल्दी बताओ ना गौतम। मैं उनसे बात करना ही चाह रहा था मगर... मैं बताती हूँ एक्चुअली हुआ ये। सोनिया दो मिनट बात करने देना प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट है। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं ये लेके आई थी तुझे देने, और वैसे भी मेरा हक बनता है मस्ती करने का, है ना गौतम? सॉरी जी जो। ये ले चिल नींबू पानी पे, आप भी पियो। थैंक यू। चिल कर ले, डोंट माइंड यार, बस दो मिनट की बात है, जस्ट गिव मी टू मिनट्स। ओके थैंक यू।
सोनिया क्या हुआ, क्या बातें हो रही थी उन दोनों के बीच में? गॉसिप बताओ। कोई गॉसिप वॉसिप नहीं है, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। पता नहीं आना स्ट्रेस्ड क्यों थी। स्ट्रेस्ड? ऐसा क्या हुआ? करिश्मा आई थिंक तुम्हें देखकर आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक तुम रहने दो, हम ही जाकर बात करते हैं। बेटा भाभी। गौतम ऐसा तो कुछ ठीक नहीं होगा। तुमने कहा था ना कि तुम उनसे बात करोगे, कहा था ना, तो फिर अब तक तुमने बात क्यों नहीं की? गौतम आज हमारी सगाई है। आई नो आहना, आई नो, और तुम अपनी जगह सही भी हो, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है कि मैं उनसे बोलूंगा और सब चीज ठीक हो जाएगी। 10 रिएक्शन 50 सवाल होंगे उनके, एंड आफ्टर ऑल ये हमारी अरेंज मैरिज है आना। मुझे नहीं पता ये सब सुनने के बाद वो कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे वो लोग।